अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करते हैं। टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज 3.5 साल अपने मुकम्मल कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला इन 3.5 साल के अंदर फेसबुक पेज पे हमारे 65,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को 30,000 से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। 11 लाख से ज़्यादा अफराद हमारे चैनल को विजिट कर चुके हैं। हमारे ऑफिस को कमोबेश 55,000 से ज़्यादा अफराद विजिट कर चुके हैं। टैलेंट कनेक्टिंग के प्लेटफॉर्म यानी टिकटॉक अकाउंट, स्नैक वीडियो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के ऊपर कमोबेश 1 लाख से ज्यादा अफराद हमारे साथ लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, रबते में। जिंदगी के अंदर कभी भी अगर आप लोग तरक्की करना चाहें तो आपको पहला कदम उठाना पड़ता है। एक वक्त था जब हमारा फेसबुक पेज जब बनता है तो उस पेज के ऊपर सिर्फ 1 लाइक था, हमारे यूट्यूब चैनल का 1 ही सब्सक्राइबर था और वो शायद मैं खुद था। इसी तरह हमारा टिकटॉक अकाउंट बना, हमारा स्नैक वीडियो अकाउंट बना, लिंक्डइन बना, इंस्टाग्राम बना, ट्विटर अकाउंट बना, पिंट्रस्ट पे हमने अकाउंट क्रिएट किया, तो इन तमाम जगहों पे शायद पहला फॉलोअर और पहला सब्सक्राइबर मैं खुद ही था। अगर जिंदगी में आपने आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले खुद को फॉलो करना है, अपनी जिंदगी को सामने रखना है, अपनी जात को सामने रखना है, अपने आप को सामने रखना है। हमेशा इंसान तब तरक्की करता है जब उसे अपनी काबिलियत, अपनी जिंदगी और वो खसूसियात जो अल्लाह ताला ने उस इंसान को अलग से अता की होती हैं, अगर वो पहचान में आ जाए, अगर वो अपनी खुदी को पहचान ले, अगर वो अपनी जात को पहचान ले, तो वो बहुत जल्द लोगों के दिलों में घर करना शुरू कर देता है। जिंदगी के अंदर अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी जात को फॉलो करें। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो आप अपनी कुदरत, अपने रब को पहचान लेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इंसान को उसकी खुदी की तरगीब दी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसी तरह अल्लामा इकबाल बहुत सारे मकामात के ऊपर खुदी की तरगीब देते रहे, अपनी जात की तलाश की तरगीब देते रहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो दुनिया वो नहीं है जो आपको बाहर नजर आती है, असल दुनिया वो है जो आपके अंदर बस रही है, आपकी जात के अंदर बसी हुई है। तो अपनी उस दुनिया को तलाश करें, अपनी काबिलियतों को तलाश करें, अपनी एफर्ट्स को यकजान करें, अपने तमाम गोल्स को सेट करें, एक टाइम फ्रेम दे दें उनको, जैसे वक्त कयामत मुकर्रर है तो आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी लाइफ उसको एक टाइम फ्रेम दे दें कि आपने कब क्या करना है और कब तक किस काम को लेके चलना है। आप लूज भी हो सकते हैं क्योंकि आप खुदा नहीं है कि बर वक्त ही कयामत बर्पा होगी, बर वक्त ही आपको अचीवमेंट मिलेगी, बर वक्त ही आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने गोल, अपने टारगेट के करीब चले जाएंगे। तो ज़िंदगी को आसान कीजिए और अपनी जात को फॉलो करके थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने तरफ देखें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की तरफ देखें, आपके साथ जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ते जाएं। मस्बत और मनफी पहलू इस माशरे का हिस्सा रहा है, लोग आपको अच्छा भी समझते हैं, लोग आपको बुरा भी कहते हैं। आपके सामने खड़े होने वाले अफराद भी मौजूद हैं दुनिया में और आपके पीछे खड़े होने वाले अफराद भी मौजूद हैं। आपने अपने पीछे खड़े अफराद को फोकस करना है, अपने सामने खड़े होने वालों का मुकाबला नहीं करना, सिर्फ अपनी जिंदगी को अपनी जात के साथ मुकाबले के लिए तैयार करना है। आपकी जंग आपके साथ होनी चाहिए, आपका मकसद आपकी जिंदगी होनी चाहिए। अगर आप मस्बत पहलू लेकर माशरे में निकलेंगे, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करके माशरे में आएंगे, तो ना जाने कितने लोग आपसे मोटिवेट होकर जिंदगी के अंदर अपने सफर का आगाज कर सकते हैं। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस बाकी है कोई कंधा नहीं देता। कदम उठाएं, फैसला करें, आगे बढ़ें, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की सपोर्ट का। आप सब लोगों ने हमें टिकटॉक के ऊपर, स्नैक वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमारी वीडियोस को आगे शेयर किया, हमारे अकाउंट्स की तमाम लगने वाली एड्स को आगे शेयर किया। आप कमेंट्स करते रहते हैं,
आप रिप्लाईज करते रहते हैं, आप बहुत सारे सवालात करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को रिप्लाई करते रहें, आप लोगों के सवालात को क्लियर करें, ताकि जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किल आ रही है, उसको आसान कर दिया जाए और आप एक अच्छे रोजगार का आगाज कर सकें। अपना ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।